सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आप सबका गुगु और मैं सुवी। गाइस, होप सो आप लोग बहुत अच्छे रहोगे। अरे सुने ना, अगर मैं आपके लिए एक अननोन लड़की होती तो कैसे बात करते आप मुझसे? क्यों, मैं तुम्हें अननोन लड़की क्यों मानूं? तुम तो मेरी जान हो ना। या अनएक्सपेक्टेड था। चलो ठीक है, फिर भी चलो एक भाई गैस कर लो। समझो एक तुम ऐसे अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे हो, तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारे पास अकेले कैसे मैं बैठ जाओ और मैं बोलूं तुम्हें कुछ ऑर्डर करोगे तो तुम मेरे लिए क्या ऑर्डर करना चाहोगे? देखो, एक क्यूट सी लड़की जब बैठी होती है ना तो उसके लिए ऑर्डर ना ऐसे सबसे पहले तो मेरे हिसाब से पानी पूरी लाना चाहिए। Okay. और अच्छा। दूसरी बात ये है ना कि मैं आपको अननोन लड़की समझ के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं अननोन लड़की कभी समझ ही नहीं सकता। और सब मुझे पता है कि अगर आपको मैंने एक बार भी गलती से अननोन लड़की बोल दिया ना तो आप ये सोचोगे कि मेरे पीछे ये ऐसे ही करता होगा, जबकि मैं बहुत लॉयल हूँ। मैं आपके पीछे ऐसा कुछ हरकत कभी नहीं करता, क्योंकि आप मेरी जिंदगी की एक वो लड़की हो ना जिससे मैं बहुत 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 अच्छा समझ गई। आज महाराजा का फ्लर्टिंग करने का मूड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस देखो, अगर आपको अननोन लड़की सच में, गाइस, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गलती से भी एक बार खुद को उनको बोल दो कि आप मेरी अननोन लड़की हो और फिर उसके बाद उसकी तारीफ करोगे ना तो वो खुद को यही समझेगी क्या ये मुझे नहीं अननोन लड़की की तारीफ कर रहा है। तो मतलब तुम्हारी स्ट्रेटेजी है ना? नहीं, स्ट्रेटेजी ये सब कुछ होता ही नहीं है। पता है, मैं हर लड़की को अगर ऐसा देखता हूँ ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुरु प्रेमी बस कर दीजिए। बाप रे बाप, उसे लव होता ना, लव टीचर। नहीं सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ मैं कभी ना ऐसे ही क्या बोलिए ना, बर्फ के एरिया में कभी गया नहीं यार। अरे तो मुझे ना पांडा बहुत पसंद था, तो ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में कैसा पांडा भेजा। मैगी ऑर्डर करूँ अच्छा 6 बजे की बात कर देंगे। इफ्तारी का टाइम क्या है जैसे? 6:50। हाँ, तो 7 बजे की बात कर देंगे। फिर तो मैं अपने हाथों से बना दूंगा, यहाँ से घर पहुंचे मैं अपने हाथों से बना दूंगा मैं आपके लिए मैगी। हाँ मैगी, याद नहीं वो फ्राइड राइस बनाया था इन्होंने, बस ज्यादा कुछ नहीं था, बस नमक ऐसे ढक्कन। देखो फिर तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप मेरे लिए कुछ भी बना के लेके आती हो, मैं बहुत अच्छे से बोलता हूँ कि यार बहुत अच्छा है, तो मेरे भी एक्सपेक्टेशन होते हैं। मैं सिखाऊंगी ना आपको, फिर हम मिलके तारीफ करेंगे। झूठी तारीफ करने से किसी को कुछ भला हुआ है? सही से सिखाओ फिर तारीफ करो ना। वैसे कभी मेरे सामने बनाया है, आप ना एक चीज कहना था मुझे आपसे, आप अपने पापा से एक चीज कह दो कि ना आप अपने पीछे 2-3 बॉडीगार्ड रखा करो आप। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा है ना कि बेटा तेरे पसंद की बहू आएगी घर में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पापा मना करे मैं आपको उठा के लेके भाग जाऊं। और ये जो एटीट्यूड दिखाती रहती हो ना, इतना एटीट्यूड मत दिखाया करो, नहीं तो आपके घर वालों के सामने डोली में उठा के लेके जाऊंगा, सारा एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा। फिर मैं शादी के बाद बोलूंगी ना, अकेले नहीं आई थी, खुद लेके आए थे बैंड बाजा लेके मेरे घर बारात। तो फिर भी वो एटीट्यूड वहीं रह जाएगा ना, इतना एटीट्यूड दिखाती रहती हो। खाना खाना है ना, अपने हाथों से बना के खा सकता हूँ मैं। वैसे आपके हाथों का खाना तो लाजवाब होता है, जितना खाओ बस मन करता है खाते रहो। कभी कभी तो ऐसा सोचता हूँ कि खाना छोड़ के बनाने वाले के हाथ ही चूम लो जाके। आप लोग को किसी को हजम हो रही मेरे दिमाग से भाग रही है कुछ, दीप और रोशन देखेंगे तो 2-3 बार ग्राइंड करके देखेंगे सुबह में। आप हो इतनी खूबसूरत कि आपकी तारीफें ऐसे दिन ब दिन करना अच्छा नहीं लगता है। मन करता है हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे बस करता जाऊं, तारीफ खत्म ही ना हो, मैं बोलता जाऊं। क्या हुआ सुबह? शर्मा गए। आपके पापा पहले मिलिट्री या फिर गैंगस्टर थे क्या? नहीं, क्यों? इतनी बॉम्ब जैसी बेटी आप पैदा किया उन्होंने। रील नहीं देख रहा, बस कह रहा हूँ। मैं रील बनाता हूँ। किस लड़की की रील देखे थे? देखा मुझे पता था कि थोड़ी सी भी तारीफ कर दो नहीं लगता है हम कहीं और ही जाके देखते। किस लड़की की रील देखूंगा जो भी मैं आपके साथ बनाता हूँ तो? और ऐसे देखता भी हूँ तो बहुत ऐसे रील थोड़ी देखूंगा यार, कॉन्सेप्ट क्रिएटर हूँ, कॉन्सेप्ट देखूंगा।
तारीफ किया है, गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे किस लड़की से मिल के आया तुम ऐसे आज? मैंने आज किसी से नहीं मिल के आया। अच्छा, क्या थोड़ा सा परफ्यूम, थोड़ा सा परफ्यूम अलग आ रहा होगा ना, फ्रेग्रेंस। लड़कों की प्रेगनेंस है वो, लड़कियों की। एक सेकंड, क्या गलती किया तुमने? मैंने क्या गलती किया? तुमने कोई ना कोई गलती किया, तभी तुम इतना तारीफ कर रहे हो। बताओ, गलती वगैरह कुछ नहीं किया है, बस ऊपर वाले ने मेरी सुन ली कि मुझे एक पांडा दे दिया। देखो, पांडा बोले? मुझे पांडा दे दिया, इसका मतलब मुझे क्या पता? मैंने कोई ना कोई गलती किया है। मोबाइल चाहिए मुझे। मोबाइल ले लो ना, मोबाइल में क्या ही मिलेगा आपको, मेरे मन में कुछ नहीं रहता। ये तो दादी फोड़ूंगी मुक्का मारने का। कोई ना कोई गलती किया इन्होंने। सो आप गलती ढूंढते रहो, जो कि मैंने किया नहीं है। ज्यादा तारीफ करो, ज्यादा तारीफ करो फिर भी हजम नहीं होता। हाँ तो क्या करें, ऐसे पूछने पर भी नहीं होती है, और आज बिना पूछे इतनी अच्छी अच्छी तारीफ, इतनी लंबी। जब आप सूट पहनती हो ना, माथे पे बिंदी लगाती हो, नोज में रोज रिंग पहनती हो, हल्की सी लिपस्टिक लगाती हो, दुपट्टा एकदम मुझसे पूछ के लगती हो कि वन साइड रखो या टू साइड, आपके बाल जब खुले होते हैं और छोटी सी क्लिप लेके यहाँ पे लगाती हो, मस्कारा लगाते वक्त जब आप आईने में देखते वक्त मुझे देखते हो, कसम से यार। इसके बाद मुझे दुनिया का तो पता नहीं, मेरे घर में मुझे अपने घर में बुला लो आज। आंटी बस तारीफ है, बस तारीफ है। वैसे आपकी बेटी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी नाटी है, बट अच्छी है। नाटी मोटी बोले? अब जैसी भी हो झेलो, आप ही क्यों। सो ऑर्डर कर दे अभी, रोजा है मेरा, पार्सल ले लेते हैं। बस ना, नहीं मन खा। पानी पूरी? रोजा है, पानी पूरी भी नहीं। वो पानी से फट फट खाने मजा आ रहा है। तो मैं ले लेता हूँ ना, मैं थोड़ी देर के लिए पानी पूरी वाला भी बन जाऊंगा। ऐसे हम पानी पूरी खिला देते हैं इफ्तार के बाद। आप लोग अगर रोजा में हो तो रमजान मुबारक हो, आप सबको अल्लाह ताला हिम्मत दे और भी ज्यादा सहन शक्ति दे कि अपने रोजे और पानी की प्यास को कंट्रोल कर सके। और जो भी मेरे हिंदू भाई उनको राम राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ, शेयर करो अपने दोस्तों, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, वाइफ या अपनी क्लर्क कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। बहुत प्यारी वीडियोस है और सिर्फ ये तारीफ कर रहे थे, ऐसा कुछ है नहीं, तो सीरियसली मत ले लीजिएगा। मस्ती कर रहे हम दोनों, ऐसा कुछ नहीं है। लव यू ऑल, बाय बाय बाय।